दोस्तों तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया की स्टॉक की बात करने से पहले इसके अंदर हम जान लेंगे कि आगे चल के कैसा रिटर्न दे सकता है, क्या इसके अंदर अभी भी प्रमोटरों की होल्डिंग बढ़ रही है। तो आपको बता दूं, प्रमोटरों की होल्डिंग इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे खुद आपको पता है नए नए ऑफिस वगैरह इसके अंदर बनने स्टार्ट हो गए, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आगे चल के मतलब हमें क्या टारगेट दिखा सकता है स्टॉक में, जो साल भर भी अगर होल्ड करे तो हमें क्या टारगेट दिखा सकता है, क्या स्टॉक 150 रुपये 100 रुपये जाने की औकात रखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और इससे भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं, क्या रहता है। तो वोडाफोन की हम बात कर रहे थे, वोडाफोन आइडिया की आने वाले टाइम के अंदर इतना अच्छा मल्टीबगर स्टॉक बन जाएगा कि आप लोग देख भी नहीं सकते। कि आपको पता है ये 100 रुपये जाने की पूरी हैसियत रखता है स्टॉक। और आपको पता है कुछ टाइम स्टॉक में इतनी तेज़ी थी, जब करीबन हम साल भर की भी बात कर ले, लगभग आपको पता है साल भर के अंदर ये स्टॉक अच्छा भला परफॉर्मेंस दिखा रहा था। 5 वर्ष की भी बात करें तो लगभग स्टॉक 70-80 रुपये के आसपास देखने को मिल गया था, जो करीबन हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑल टाइम की बात करते हैं तो ऑल टाइम में स्टॉक लगभग 120 रुपये के आसपास देखने को मिल गया था। उसके बाद में ही स्टॉक में डाउन जाता है, तो क्या 120 रुपये से गिर के लो आ सकता है, तो क्या 120 रुपये फिर से नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। और ये स्टॉक आप लोगों को बता दूं, अभी भी मौका है, आने वाले टाइम के अंदर ये मल्टी बगर स्टॉक बनने वाला है कम से कम 1 साल या 2 साल के अंदर। आज भी वीडियो बना के बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर भी आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो इससे अच्छा पहले संभल जाओ, यहाँ पर आप लोग 20-30% अमाउंट लगा के चलो, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से मिल सके, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी अगर आप लोग ऐड नहीं करोगे तो बाकी आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा। देखो स्टॉक और भी बहुत है, मैं इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर 5G पे अभी काम काज चालू हो गया है। और अगर मतलब जैसे GTL इंफ्रा हो गया और वोडाफोन हो गया, तो रिलायंस मतलब हो गया, तो इनमें भयंकर तेज़ी आने वाली है। आँख बंद करके भी ये स्टॉक आप बाय करके चलते हो तो आपका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। जैसे 2 साल तक भी होल्डिंग करते हो तो आप लोग आराम से इस स्टॉक को 100 रुपये जाते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी देखो दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो एक टाइम स्टॉक बहुत ज़्यादा अभी गिरावट के अंदर देखने मिल जाता है। जो कल के दिन की गिरावट की बात करें तो लगभग आपको पता है 1.1% के आसपास गिरावट में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में 5 दिन की भी बात कर ले, लगभग हमें पता है 1.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। करीबन मंथली की बात करें तो हमें मंथली के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। और पिछले 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक में 13% ऑलमोस्ट गिरावट ही देखने को मिलती है। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, इसी वजह से अभी क्या है कि इन्वेस्टरों का दिल नहीं कर रहा कि हमें इसके बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल की भी बात करें, लगभग 25% स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि स्टॉक मतलब धीरे धीरे ग्रोथ करता देखने को मिल सकता है। बाकी जब तक इंडिया के अंदर मतलब 5G अगर हो गया ना, तो विस्फोट बम की तरह भागने लगेगा, फिर आप बोलोगे हमें बाय करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे ना करें दोस्तों, पहले संभल जाओ ताकि आप भी अच्छा खासा रिटर्न कमा लो। बाकी देखो दोस्तों, आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।